नमस्कार, स्वागत है आपका 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पीएम मोदी, एफआईपीआईसी बैठक से चीन पर कसेंगे नकेल। ₹2000 का नोट बदलने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं, एसबीआई ने जारी किया नोटिस। मानवीय सहायता हो या विकास, भरोसेमंद पार्टनर है भारत, एफआईपीआईसी सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए, चीन से जारी सीमा विवाद के बीच बोले पीएम मोदी। नॉर्थ ईस्ट को मिलने वाली है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी न्यू जलापाईगुड़ी रूट पर हुआ ट्रायल वन। अलीगढ़ में हुए दबंगों के हौसले बुलंद, पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग से की मारपीट। औरैया में आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 25 लीटर कच्ची शराब की बरामद। औरैया में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का दिया आदेश। बिजनौर में बीच सड़क पर 3 युवकों के बीच हुई मारपीट, चौराहे पर लगा जाम, आवागमन हुआ बाधित। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन, सीएम ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं। पापुआ न्यू गिनी के पीएम बोले, भारत हमारा लीडर, मोदी ने कहा कोरोना में हमने मदद की, जिन पर भरोसा किया वो साथ नहीं थे। इमरान का आर्मी चीफ पर आरोप, बोले जनरल मुनीर नहीं चाहते मैं सत्ता में वापसी करूं, मेरे कत्ल की साजिश रची जा रही है। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी के पैर छुए, परंपरा तोड़कर सूर्यास्त के बाद राजकीय सम्मान दिया। पाकिस्तान चीन के रिश्तों में तनाव, सीपीईसी के तमाम प्रोजेक्ट्स 2 साल के बाद बंद, आईएमएफ लोन देने तैयार नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने G7 देशों से मांगा समर्थन, कहा लोकतंत्र स्वतंत्रता का हो सम्मान। गुजरात की जीत से मुंबई में जश्न, गिल ने छक्के के साथ पूरा किया सीजन का दूसरा शतक, कोहली की बराबरी की। एक ट्वीट करना सौरभ गांगुली को बड़ा भारी, विराट कोहली के फैंस ने लिया आड़े हाथ, कहा आप बस नाम के। विराट कोहली ने कैप से छिपाया मुंह तो जमीन पर गिरे सिराज, आईपीएल 2023 से आउट होने पर आरसीबी को लगा गहरा सदमा, खिलाड़ियों के चेहरे पर छाई मायूसी। गुजरात टाइटंस के लिए शुभम गिल बने मसीहा, विराट कोहली जैसा कारनामा दोहराकर आरसीबी को उसके घर में किया शर्मसार। डीप ब्रेस के गोल से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर रोका, 3 मैच की सीरीज 2-0 से हारा। तेलुगु म्यूजिक कंपोजर राज का 68 साल की उम्र में निधन, चिरंजीवी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। असित मोदी पर रीटा रिपोर्टर ने भी लगाए गंभीर आरोप, प्रिया आहूजा बोली मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जुलाई में टीम के साथ टूर पर निकलेंगे कॉमेडियन कपिल शर्मा, विदेश में 6 शहरों में करेंगे परफॉर्म। फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हुए अनुपम खेर, पोस्ट शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट।
फिल्म के रिलीज से पहले ख्वाजा की दरगाह पहुंची सारा अली खान, जियारत कर मांगी दुआ। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।